व्रत में साबूदाने तो आपने कई बार बनाए होंगे। चलिए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही हेल्दी और टेस्टी तरीके के साबूदाने के ये दो नए रेसिपी। आप एक बार इस रेसिपी को बनाकर देखिए, डेफिनेटली आपको बहुत पसंद आएगी। साथ ही इतनी ज़्यादा हेल्दी है कि अगर आप व्रत में इसे खा लेंगे ना तो आपको भूख पूरे दिन नहीं लगेगी। और इसके साथ ही बनाएंगे नए तरीके की हरी चटनी जो इस नाश्ते का स्वाद कई गुना बढ़ा देगी। तो पूरी वीडियो को एंड तक देखिए, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव क्लास सारिका, और मैं हूँ सारिका। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है मूंगफली के दाने लगभग 4 बड़े चम्मच, और इनको एक पैन में डालकर हल्का सा भून लेंगे। देख सकते हैं हल्के हल्के से स्पॉट आ गए इनके ऊपर। तो अब इसके अंदर डालेंगे मखाना, और ये मैंने 1/2 कप के आसपास लिया है। अगर आपको मखाने नहीं पसंद हो तो आप हटा सकते हैं, लेकिन व्रत में जितना हो सके हेल्दी डाइट लेना चाहिए। तो यहाँ पर 1/2 कप मैंने मखाने डाल दिए हैं। इनको भी थोड़ा सा क्रिस्पी होने तक भून लेंगे इस तरीके से टॉस करते हुए। कोई भी घी या तेल मैंने ऐड नहीं किया है। और जैसे ही मखाने हमारे क्रिस्प हो जाएंगे, हम इसमें डाल देंगे 1 कप साबूदाना। तो ये साबूदाना भीगा हुआ नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है, और कोई से भी साबूदाने का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, बारीक वाले, मोटे वाले, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। और अब इनको हल्का सा इस तरीके से करेंगे ना, टॉस करेंगे, तो जो मखाने हैं ना और मूंगफली के दाने ऊपर आ जाएंगे और साबूदाने नीचे। इस तरीके से साबूदाने हमारे अच्छी तरीके से भुन जाते हैं और क्रिस्पी हो जाते हैं। क्रिस्पी इनको इसलिए करना पड़ता है ताकि इनको आसानी से पीसा जा सके। तो देखिए मैंने धीमी आँच पर इनको 2-3 मिनट के लिए इस तरीके से हल्का सा टॉस करते हुए चला लिया है, और ये अच्छी तरीके से भुन गए हैं। अब इनको ठंडा होने रख देते हैं, तब तक चलिए हम चटनी तैयार करेंगे। तो यहाँ पर चटनी बनाने के लिए एक मिक्सी का जार ले लिया है, और अब इसमें डालेंगे हरे धनिए के पत्ते। आप इसमें पुदीने के पत्ते भी ऐड कर सकते हैं। तो 1 कप डाला है मैंने। 2 हरी मिर्च ऐड करेंगे, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, और 1 छोटे चम्मच के आसपास सौंफ डालेंगे। आप जीरा भी डाल सकते हैं अगर आपको जीरा पसंद हो तो। 1/2 छोटे चम्मच डाल देंगे इसमें काला नमक, नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं, या फिर आप इसकी जगह पर दही ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये 4 बड़े चम्मच दही का इस्तेमाल किया है। हम यहाँ पर नींबू का रस नहीं डालेंगे। और चलिए इसको पहले थोड़ा सा पीस लेते हैं, फिर हम थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका टेक्स्चर जो है वो थोड़ा सा पतला करेंगे। तो चलिए पीस लेते हैं। और ये लीजिए चटनी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, देख सकते हैं एकदम बढ़िया सा टेक्स्चर और कलर भी है। तो चलिए इसको साइड में रख देते हैं, अगर आपको चीनी पसंद हो इसमें थोड़ा सा डाल सकते हैं। तो चटनी साइड में रख लीजिए, और अब देखिए हमारा मखाना, साबूदाना और मूंगफली के दाने हल्के से ठंडे हो गए हैं। तो अब इनको डाल देंगे मिक्सी के जार में, और जार बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, सूखा होना चाहिए। चलिए अब इसको पीस लेते हैं। देख सकते हैं जो मखाने हैं ना वो भी अच्छे से क्रंची हो गए हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपके पास हर रोज़ की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इन सारी चीज़ों को हल्का कोर्सली ग्राइंड किया है, और एकदम बढ़िया से ये पिस चुके हैं, देख सकते हैं। तो इनको हम डाल देंगे एक बड़ी सी मिक्सिंग बोल के अंदर। ये देखिए कुछ इस तरीके से पिस गया है। अगर आप साबूदाने को भूनेंगे नहीं ना तो उसको पीसने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, और इन सारी चीज़ों को हमने एक साथ पीसा था तो ये एक साथ बढ़िया से एक समान बराबर मात्रा में पिस गए हैं। अब इसके अंदर डालेंगे आलू। तो आलूओं को मैंने उबाल कर लिया है, और अच्छी तरीके से मैश कर लें या फिर ग्रेटर से ग्रेट कर लें। तो लगभग 2 मीडियम साइज़ के आलू का इस्तेमाल किया है मैंने। अब डालेंगे इसमें थोड़ी सी सब्जियाँ, और इसमें डाल रही हूँ मैं हरे धनिए के पत्ते 2 से 3 बड़ा चम्मच, 2 हरी मिर्ची बारीक कटे हुए, तो आप अपने हिसाब से तीखा एडजस्ट करें। और अब डाल देंगे इसमें 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा जिसको बारीक काट कर लिया है, और थोड़े से मसालों में मैं डाल रही हूँ जीरा पाउडर। 1 छोटे चम्मच जीरा को मैंने भूनकर पाउडर बनाकर लिया है, तो ये भुने हुए जीरे का पाउडर है। अब डाल देंगे इसमें सेंधा नमक, जो आप व्रत में खाते हो तो वो आप डाल दीजिए। स्वाद के हिसाब से नींबू का रस ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 1 छोटे चम्मच मैं ऐड कर रही हूँ, अगर आपको चटपटा ज़्यादा पसंद हो तो आप इसमें ज़्यादा भी डाल सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ड्राई मिला लिया है बिना पानी डाले। अच्छी तरीके से मिलाने के बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे, तो लगभग 1 से 1.5 कप जितना पानी इसमें जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके डालें, क्योंकि जो साबूदाना है ना, जैसे आप पानी डालेंगे ना वो एब्जॉर्ब करने लगेगा, और ये मिक्सचर हमारा जल्दी ही गाढ़ा होने लगेगा। क्योंकि हम यहाँ पर 2 रेसिपीज बनाने वाले हैं, तो जो दूसरी रेसिपी है उसके लिए हमारा जो मिक्सचर होना चाहिए वो बहुत ही हार्ड होना चाहिए, कुछ इस तरीके से, हाथों में बिल्कुल नहीं चिपकना चाहिए। तो चलिए इसमें से 1/2 मिक्सचर हम निकाल कर एक अलग बोल में रख लेंगे दूसरी रेसिपी को बनाने के लिए, क्योंकि वो एक रिक्वेस्टेड रेसिपी है, आपने बहुत बार रिक्वेस्ट करके बोला है, तो मैं उसको व्रत के लिए फिर से क्रिएट कर रही हूँ। तो चलिए इसमें से 1/2 मिक्सचर हम निकाल कर अलग बोल में रख लेते हैं, और ये जो मिक्सचर हमारा बचा हुआ है इसी में हम डालेंगे 2 बड़ा चम्मच दही। ये दही खट्टी नहीं है, अगर आपके पास खट्टी दही है तो भी डाल सकते हैं। अब डालेंगे इसमें पानी, और इस मिक्सचर को हम थोड़ा सा पतला करेंगे।
थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे क्योंकि पानी डालने के बाद इसका नमक जो है वो कम हो जाएगा। अब इस नाश्ते को और थोड़ा हेल्दी बनाने के लिए हम इसमें ऐड कर रहे हैं गाजर। तो एक छोटा सा गाजर मैंने कद्दूकस करके डाला है। अगर आपको नहीं पसंद हो तो आप हटा सकते हैं, या फिर इसकी जगह पर चुकंदर भी ले सकते हैं। तो सब्जियां अगर डालना चाहे तो डालें या फिर हटा सकते हैं। मिक्सर हमारा थोड़ा सा गाढ़ा है तो लगभग 2 बड़े चम्मच पानी और ऐड करेंगे। और इसमें डालेंगे आप बाइंडिंग के लिए रामदाने का आटा या फिर सिंघाड़े का आटा डाल सकते हैं। व्रत में जो भी आटा अवेलेबल हो वो आप डाल सकते हैं, या फिर आप समा चावल को भी पीस कर ले सकते हैं। तो यहाँ पर 2 बड़ा चम्मच डाला है और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है नाश्ते को अच्छी सी बाइंडिंग देने के लिए। बढ़िया से मिला लिया है मैंने और इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं इतना ही ज़्यादा गीला होना चाहिए, इससे ज़्यादा ना तो गाढ़ा और ना ही इससे पतला। अगर आपको गाढ़ा लग रहा हो तो थोड़ा पानी डालिए, या फिर अगर पतला लग रहा हो तो थोड़ी देर छोड़ दीजिए, साबूदाना सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेगा। अब मैंने यहाँ पर एक नॉनस्टिक पैन गरम होने रख दिया है। आप कोई से भी तवा भी ले सकते हैं, लेकिन लोहे का तवा ना यूज़ करें नहीं तो वो तवे में ज़्यादा चिपकता है। थोड़ा सा तेल डालकर अच्छे से गरम होने दें और अब 2 कलछी के आसपास मैं ये बैटर इसमें डाल रही हूँ। बहुत ज़्यादा बैटर नहीं डालना है और बहुत कम भी नहीं डालना है, लगभग पराठे जितना मोटा हमें इसको बनाना है। तो किनारों को एक सार कर लें ताकि उलटने में दिक्कत ना करें। और अब हम फ्लेम को लो टू मीडियम करके इन्हें 2 मिनट के लिए पकने देंगे। तो चलिए ढक्कन लगा देते ताकि जल्दी से ये पक जाए। और 2 मिनट के बाद आप देखेंगे ऊपर की लेयर भी काफ़ी अच्छी तरीके से सिक चुकी है और नीचे की लेयर अच्छी तरीके से गोल्डन होने लगी है। आराम से निकल जाते हैं ये, बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं करेंगे अगर आपने इसमें कोई से भी आटे का इस्तेमाल किया है। तो व्रत में जो भी आटा इस्तेमाल होता है वो आप इसमें डाल सकते हैं। अगर व्रत के लिए नहीं बना रहे हैं तो आप गेहूँ का आटा, चावल का आटा, मैदा भी डाल सकते हैं। तो अपने हिसाब से आप इसमें डालिए। दूसरी बार टर्न करके इसको थोड़ी देर और सेक लिया है मैंने और देख सकते हैं कि एकदम बढ़िया ये तैयार हो गया है। बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है ये और दोनों साइड से अच्छे से क्रिस्प हो चुका है और अंदर से तो बहुत ही ज़्यादा नरम है और खाने में ये बहुत ज़्यादा चटपटे और टेस्टी भी है। तो ये पहली रेसिपी है। दूसरी रेसिपी तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, तो ज़रूर से देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। इसी तरीके से ये सारे चीले या पराठे जो भी कह लें हम बनाकर तैयार कर लेंगे। तो चलिए देख सकते हैं कितने टेस्टी दिख रहे हैं, गोल्डन गोल्डन से और क्रिस्पी भी बहुत है बाहर से। तो ये लीजिए, मैंने सारे पराठे इस तरीके से बनाकर रेडी कर लेंगे और देख सकते हैं ये बाहर से कितने क्रिस्प हैं, अच्छी तरीके से सिक चुके हैं, बिल्कुल भी गीले नहीं हैं, अच्छी तरीके से कुक हो चुके हैं अंदर से भी। तो मैं इसे सर्व कर रही हूँ हरी चटनी के साथ और व्रत वाली लाल मीठी चटनी के साथ। अगर आपको व्रत वाली लाल मीठी चटनी की रेसिपी चाहिए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जब मैं ये वीडियो पोस्ट करूँगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ये लीजिए हमारा नाश्ता, ये पहला वाला बिल्कुल तैयार है। चलिए अब दूसरी रेसिपी बना लेते हैं। तो यहाँ पर जो मिक्सर मैंने बोल में निकाल कर रखा था उसमें मैं ऐड कर रही हूँ राजगिरी का आटा, या फिर इसको रामदाने का आटा भी कहते हैं। तो यहाँ पर आप कोई से भी आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं जो व्रत में लेते हैं, तो सिंघाड़े का आटा भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं 2 बड़ा चम्मच ये आटा डाल रही हूँ इसमें और अब इसको अच्छे से मिलाएंगे थोड़ा सा पानी डाल करके, ताकि जो मिक्सर हमारा गाढ़ा ही रहे, बहुत ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए। मैं आपको दिखाती हूँ इसे हाथों में निकाल कर, ये कुछ इस तरीके से हल्का सा चिपचिपा होना चाहिए, देख सकते हैं, ना तो ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा चिपचिपा। अगर आप इसको होल्ड करें तो ये आराम से किसी भी शेप में बन जाए, इतना गाढ़ा हमें मिक्सर को लेना है। और अगर ऐसे भी समझ नहीं आ रहा हो तो आप चम्मच में इस मिक्सर को थोड़ा सा उठाइए और जब चम्मच को उल्टा करेंगे ना तो मिक्सर आपका गिरना नहीं चाहिए आसानी से। तो इतना ही गाढ़ा लेना है। आप इस मिक्सर को स्टोर करके भी रख सकते हैं और जब भी आपको गर्मा गर्म इसे खाना हो आप इसे परोस सकते हैं। तो चलिए इसको कैसे बनाना है ये देखते हैं। यहाँ पर मैंने कोन लिया है और ये ऑनलाइन परचेस किया है मैंने इस कोन को। आपको चाहिए तो मैं वीडियो के नीचे लिंक दे दूँगी, बहुत ही सस्ते मिलते हैं, या फिर आप नॉर्मली कोई सी भी थैली का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब इस कोन में हम डाल देंगे ये अपना मिक्सर तैयार किया हुआ, देख सकते हैं। और अब इसको कवर करेंगे, ऊपर कोई भी रबर लगा ले या फिर धागे से भी बांध ले। और इसी तरीके से सारे मिक्सर को कोन में भर करके आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, एयरटाइट बॉक्स में। जब आपको बनाना हो इसे आप बनाइए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। इस रेसिपी को मैंने बिना व्रत के लिए भी बनाया है, वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो आप उस वीडियो को भी देखना चाहते हैं तो लिंक मैंने वीडियो के नीचे दिया है, जाकर देख सकते हैं। चलिए इसको बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने तेल गर्म होने रख दिया है, कोन को हम लगभग 1/2 इंच जितना काट लेंगे। आपको जितने मोटे या फिर पतले पसंद हो उस हिसाब से आप कोन को काटिए। और चलिए तेल आपका अच्छी तरीके से गर्म होना चाहिए, बिल्कुल हाई टू मीडियम फ्लेम पर। और अब हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ये मिक्सचर इसके ऊपर डालते जाएंगे कुछ इस तरीके से। थोड़ा दूर दूर पे डालिएगा नहीं तो साबूदाने की वजह से ये चिपकने लगते हैं। और जैसे जैसे ये तेल गर्म होने लगेगा ना, आप इसको बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, हल्का सा इस तरीके से हिला दीजिए ताकि जो तेल है वो ऊपर इसके लग जाए।
और जैसे ही अच्छे से सिकने लगेगा ना, ये अपने आप ही तेल में ऊपर उठने लगेंगे, आपको इसे निकालने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए इस तरीके से तेल में ऊपर आ गए हैं, आपको इसे निकालना बिल्कुल भी नहीं है और गीले गीले तो बिल्कुल भी टच नहीं करना है। बढ़िया से इनको गोल्डन कर लीजिए, एकदम क्रिस्प देख सकते हैं, एकदम बढ़िया से ये रेडी होने लगे हैं। तो अब हम इनको निकाल लेंगे किसी भी किचन टॉवल पे, ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। देख सकते हैं कितने टेस्टी दिख रहे हैं ये, और इसी तरीके से बाकी के भी हम इसी तेल में तल लेंगे और बढ़िया से क्रिस्प कर लेंगे। और लीजिए सारे हमारे कुरकुरे बनकर तैयार है साबूदाने के, देख सकते हैं कितने टेस्टी दिख रहे हैं और बाहर से बहुत क्रिस्प हैं ये। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इसे गरम गरम ही खाइए, क्योंकि जैसे ही ठंडे होने लगते हैं ना सॉफ्ट हो जाते हैं। देखिए बाहर से कितने ज़्यादा क्रिस्प है और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट। तो इसे भी मैं लाल चटनी और हरी चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ, ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। व्रत की और भी रेसिपीज़ अगर आपको देखनी है ना, तो मैंने वीडियो के नीचे लिंक दिए हुए हैं, बहुत ही नए नए तरीके से आपको हर रेसिपी एक से बढ़कर एक मिलेगी। तो ज़रूर से ट्राई कीजिए, और कौन सी रेसिपी आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी हमें ज़रूर कॉमेंट करके बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास मेरी हर दिन की नई वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। साथ ही वीडियो को लाइक और ढेर सारे फ्रेंड्स तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए एंजॉय कीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।